कल ब्लॉग नहीं अपलोड करने का कारण बता देता हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मतलब चला गया था। सोच हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज ना मैं 8:30 बजे उठा हूँ और मामा भी सो रहे थे, तो मामा पूछ रहे हैं जो कितने बजे उठाए थे। हम बोले 6 बजे। मामी यहाँ पे ये लगा रही है क्या मामी? ये अच्छा, वो सॉरी कलर। कलर ब्लैक कलर कर रही है मम्मी। मम्मी 6 बजे उठ गई है ना मम्मी? मैं लेट से उठा हूँ। गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एक दिन के बाद में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, एक दिन मिस कर दिया हूँ थोड़ा सा। आज भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना कोई चीज़ से, प्रेशर मतलब टेंशन हो गया था कोई चीज़ को लेकर के, तो ब्लॉग नहीं शूट कर रहे थे। तो आज हम शूट कर रहे हैं। तो अभी क्या है, उठे हैं, जो काम सब था यहाँ पर थोड़ा सा कर दिया हूँ। तो अभी क्या है ना, अभी इधर का काम हो गया है, मामी का सब्जी सभी रेडी हो गया है काट करके, मतलब सामान सब जो बनेगा खाना देख रहे हैं। काम हो गया और नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं, मैं चश्मा नहीं पहने है ना, नहीं देखे इधर गज गई इधर भी। ठीक है फोटो खींचाएंगे ना। ठीक है, हो जाएगा। तो इधर का जो काम सब हो गया, अभी जाना पड़ेगा मतलब बाजार सामान सब लाने के लिए, तो जाएंगे। ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया हूँ कल, तो उस सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ, एक दिन मिस किया हूँ। इस बीच में 2 दिन हो गया है जो मैं मिस कर दिया हूँ, तो माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि मैं कल ब्लॉग नहीं अपलोड करने का कारण बता देता हूँ, क्योंकि कारण ये है क्योंकि मेरा फ़ोन जो है ना 8:30 मतलब परसों के रात में मेरा फ़ोन पूरा ये हो गया था, फैक्ट्री रिसेट हो गया था, तो उसी को सेटिंग करने में कल सारा दिन चला गया। जो सब मैं यूज करता हूँ जो ऐप सब, वो सब मतलब इंस्टॉल करने में बहुत समय लग गया। उसके बाद में मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मतलब चला गया था, सोचिए ना। यानी कि मतलब पासवर्ड फॉरगेट कर रहा हूँ, जो पासवर्ड था वो दे रहा हूँ ले ही नहीं रहा था, और फॉरगेट कर रहा हूँ, फॉरगेट में भी दूसरा नंबर चला जा रहा है, यानी कि ईमेल आईडी चला जा रहा है। तो मतलब दूसरा ये सब हो गया था, मतलब क्या होता है, परेशान हो गए थे हम कल सारा दिन। तो कैसे ना कैसे भगवान के आशीर्वाद से आ गया अचानक, आधा एक घंटा के मेहनत करने के बाद में वो मतलब ईमेल आईडी मतलब आ गया उसमें वापस। तो An hour later. तो फाइनली ना नहा कर फ्रेश हो गया हूँ बिल्कुल, और फिर से वही जैकेट पहन लूँ क्योंकि ठंडी है भाई, तो थोड़ा सा धूप सेक लेता हूँ, ठंडी है, नहाने के बाद में ठंडी लग रही है। नहा के पूजा किया हूँ, यहाँ पे से मैं ही पूजा करता हूँ, आप सभी को पता होगा, मैं यहाँ करके नहा के पूजा मैं ही करता हूँ, मैं मामी सबको नहीं करने देता हूँ, मैं ही पूजा कर देता हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी तेज़ धूप निकला है, तेज़ धूप है, और यहाँ पे फूल सब देखिए मामा लगा कर रखे, मतलब हम ही लाए हैं यहाँ पे, जो पिछले बार ब्लॉग में नीचे से लेकर के यहाँ पे लेके आए थे तभी बहुत छोटा छोटा था, अभी कितना बड़ा हो गया है, अच्छा लग रहा है ना। काफ़ी तेज़ धूप है, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये आज हमसे टूट गया, इस पर बैठे ना थोड़ा सा कि टूट ही गए, जैसे ही बैठे यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ था, और जैसे ही बैठे इस पर कि टूट गया पूरा, देख क्या हो गया इसको। थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा सा ये मैं धूप लगा लेता हूँ, उसके बाद में नीचे चलेंगे। 15 minutes later. तो अभी बज रहा है 11:30, और थोड़ा जा रहा हूँ मार्केट, और मामी के लिए थोड़ा सा फोटोज़ भी निकालना है जो कि बैंक में लगेगा, वही कहीं लगेगा, तो फोटोज नहीं है, ख़त्म हो गया है, बहुत पुराना वाला है, तो फोटोज भी निकालना है, तो और ये लगा लेता हूँ कैप ना मम्मी, मास्क भी लगा लेता हूँ ना, मास्क भी लगा लेता हूँ, ये रहा मास्क N95। और पैसा दे दिए ना? हाँ, तो अभी आ तो सामान लेके, बैग कहाँ रख दिया, बैग कहीं पे होगा, वो वहाँ पे रखा हुआ है बैग, तो अभी निकलते हैं, बाइक लेके जाएंगे, बाइक ले। 15 minutes later. अभी जस्ट आया हूँ बाजार से सामान सब लेकर के, मामी का फोटो भी निकलवा लाया हूँ, और यहाँ पे देखिए मामी क्या तैयार करके रखी हुई है, तैयार। थैंक यू। ये है खीर जो कि बहुत ही अच्छा बनता है, अभी मामी का खाना बन ही रहा है, और वो तो दिख ही रहा है इसमें क्या समय से, ओह बहुत अच्छा भाई। जो खीर है ना खाते हैं फटाफट से, चलिए आप सभी को तो आ सकते हैं, ले सकते हैं, खा लिया खीर, रख दिया हमें। मैं बताता हूँ मैं जो की है, अगर आज बनाए ना कोई सामान, अगर अच्छा चीज़ बना है
तो आज खिला देगी, उसके बाद में बोलेगी खत्म है, दो तीन दिन के बाद में अचानक से देगी मतलब चौंक जाएगी। अगर मांगेंगे तो भी मतलब बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे जो खत्म है, बट एक दो दिन के बाद में ना मतलब भूल चुके हैं वो चीज है ही नहीं, तब तो अचानक से मम्मी निकाल के लेके आएगी लोग मतलब क्या होता है सरप्राइज। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी आ गया हूँ छत में, यहाँ पे पानी भर रहा है क्योंकि फूल सब में पानी देना है, मामा बोल के गए थे जो ये सब में पानी दे देना, ये सब में भी पानी देना है और नीचे में भी आम का पेड़ सब है उस सब में भी पानी देना है, पहले इसमें दे देता हूँ। तभी यहाँ पे भी पानी दिया हूँ, ये गेट के सामने में है, मेन गेट के सामने में मामा लगा के रखे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे भी है, एक पूरा भी चौरा किया है मामा ईंटा लगा के। ये जो घर तोड़े ना ये मीटर वाला था, मीटर वाला आप लोग देखे होंगे पीछे वाले ब्लॉग में, मतलब पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, ये मीटर घर था तो वो तोड़ करके यहाँ पे शिफ्ट किए हैं मामा। मीटर को देखिए इसमें है, इसमें लग गया है मीटर, शिफ्ट हो गया है, दिख रहा है ना। तो यही ईटा ये मीटर घर को तोड़े हैं तो यहाँ पे ईटा निकला है, इसमें से ईटा जो निकला है वो यहाँ पे दिए हैं सामने में, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं सब में पानी पड़ गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो सब में दे दिए, बाकी यहाँ से देख सकते हैं व्यू। तो अभी चलते हैं, तो अभी इसमें है वेट करने वाला मशीन और मैं फ़ोन को हेलमेट में लगा लिया हूँ और हेलमेट पहन लिया हूँ और ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, इसमें वेट मशीन निकाल करके अभी हम वेट करते हैं, अभी कितना है मेरा वेट अभी फिलहाल में, इसको रखता हूँ साइड में, पकड़ने में दिक्कत हो जाता ना इसलिए, और मतलब ये ऑटोमेटिक है ना, हाँ ये ऑटोमेटिक है, कहीं स्विच वगैरह नहीं है, रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं। कितना दिख रहा है मम्मी, 54 किलो 80 ग्राम कम गया। कितना कम है मम्मी, बहुत कम गया ना, 62 से ना, आप देखिए तो बहुत कम गए हो, तुम घर जाने से ही तुम्हारा विषय होता है, मैं तो 62 kg था, सही बात है। कितना है आपका, 52, अब तो मेरे से ये है 2 kg, यानी कि 3 kg आप कम है, फेंका कैसे, वो गिर गया सॉरी, उसको ठीक जगह पर रखो भैया, ये तो हम भी पहनते थे, तुम भी टोपा, हाँ हम भी पहने हैं, नहीं वो वाला टोपा, ठीक है इसको रख देते हैं। मामा को वेट कराएं, मामा को नहीं रख दे, नहीं करा ही लेते एक बार मामा कर लिए तो एक बार और जो ये कर लेता हूँ, देखता हूँ भर जाऊंगा तो, ओहो मैं हेलमेट निकाल के देखता हूँ। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो सोचा अभी तो मतलब ऑर्डर शूट नहीं किए हैं, तो खाना वाना खा लिया बहुत देर पहले हो गया है, तकरीबन 10:30 बजे हम खा लिए थे, तो अभी 11:04 हो रहा है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी रोजाना ब्लॉग देखने के लिए, आज के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट।